फलोदी के सिटी पॉइंट होटल में नवभारत जागरण पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील छंगाणी द्वारा मनीष पुष्करणा के नाम की गई फलोदी जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की घोषणा। फलोदी के सिटी पॉइंट होटल में आज नवभारत जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील छंगाणी की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के फलोदी जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर घोषणा की गई। जानकारी के अनुसार नवभारत जागरण पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार छंगाणी की अध्यक्षता में होटल सिटी पॉइंट के सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के सभी प्राथमिक सदस्यों पदाधिकारियों की उपस्थिति से सर्वसहमति से फलोदी शहर के जिला अध्यक्ष पद पर मनीष पुष्करणा को नियुक्ति प्रदान करने की औपचारिक घोषणा की गई। इस दौरान पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनीष पुष्करणा में अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है, उसका पार्टी की गरिमा के साथ मजबूती के साथ कार्य कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील छंगाणी, राष्ट्रीय महासचिव कौलाल व्यास, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल बुरड़, कमल जोशी, डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा, देवेंद्र थानवी, नंद किशोर व्यास, विशाल व्यास, गिरिराज व्यास, सौरभ बोहरा, लोहाउट से दिनेश विश्नोई, खीचन से सुरेश सामरिया, सदावता से सुनील माली, सुरेश बोहरा, मनोज दादा सहित पार्टी के कई सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने फलोदी के जिला अध्यक्ष की घोषणा को लेके ये मीटिंग बुलाई थी। इसमें श्रीमान मनीष जी को फलोदी का जिला अध्यक्ष हमने घोषित किया है। इसमें हमारे समस्त कार्यकर्ता गणपति से उनसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सर्वसम्मति से श्रीमान मनीष जी को फलोदी के लिए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आभारी हूँ समस्त कार्यकर्ताओं का जो हमारे नव भारत जागरण पार्टी में कंधे से कंधे मिलाकर भारत के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आज मुझे नव भारत जागरण पार्टी का जिला अध्यक्ष का जो पद दिया गया है, उसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी। मैं इस पद को और पार्टी के नियमों को गौरवपूर्ण तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा।